बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, जनरल हैदर, ख्वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो मैं वज़ीर ख़जाना, तो जब मैं ओथ लूँगा तो हो जाएगा, तो बड़ी मेहरबानी जिन्होंने मैं अभी भी वज़ीर बना दिया। मेरे ख़्याल में तो ये एक आज बहुत बड़ा दिन है, जब ये मेरा तो ख्वाब होता था, मैं तो बैंकर हूँ 47 साल से, और ये ख्वाब ये होता था कि पाकिस्तान में कब हम ये घरों के लिए पैसे देंगे और बैंक्स दे सकेंगे। और सबसे बड़े दो इशू होते थे हमारे, पहला इशू होता था कि फोर क्लोजर लॉ ही होता था, और आप बैंकर्स को पता है फोर क्लोजर लॉ ना हो तो बैंक्स जो है ये रिस्क लेते नहीं हैं, क्योंकि ये पैसों के अलावा ये बहुत लंबा टेन्योर का रिस्क, 20 साल 25 साल का रिस्क है, तो लोग ये नहीं करते। और दुनिया में जब फोर क्लोजर लॉ होता है तो जब डिफॉल्ट होता है तो 3-6 महीने में लोग जो है घर खाली करवा देते हैं। और दूसरा है हमारी ये भी देखना पड़ेगा हमारी इकॉनमी में जिस तरीके से हम लोगों ने जो बैड मैनेजमेंट की है और कर्जे लिए है, उससे हमारा हमेशा जो सूद था वो हमेशा 12-15% पे रहता था, और उसके ऊपर जब लोग 3-4% लगाते थे तो जो घर का कर्जा लेने आता था उसको 18% अगर पड़ता है तो इसका मतलब उसने अगर 100 रुपया का कर्जा लिया है तो उसको 20 साल में 400 रुपये जो है वो वापस करने पड़ते थे, तो वो कहता था ये मुझे ज़रूरत नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी लीड जो इस वक्त जो ये कामयाबी हुई है, सबसे पहले तो हम जो इसका सेहरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सर पे है कि उन्होंने रिलेंटलेसली, और मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं 1991 से जब से मैंने सिटी बैंक में कंज्यूमर बैंकिंग शुरू की, मैं सब हुकूमतों के पास जाता था, वज़राए आज़म के पास जाता था, फाइनेंस मिनिस्टर्स के पास जाता था कि यार ये तो ठीक करवा दो, ये ठीक करवा दो, कुछ नहीं होता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब मैंने ये कहा कि यार ये चीज़ है, ये आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, तो ये रोज़ाना के बेसिस पे अटॉर्नी जनरल साहब को भी रिमाइंड कराते थे और मुझे भी बताते थे कि मैंने टेलीफोन कर दिया है। तो करते कराते जो है, जिस तरह इन्होंने बताया कि अक्टूबर के बीच में ये खुशखबरी आई, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि छोटे लोग जिनकी कम आमदनी है उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे, 3 लाख रुपया तो पहले ही दे देंगे अप फ्रंट, और उसके बाद जो उसकी जो सूद की शरह है या जो उसका उसके ऊपर जो मुनाफा है वो भी बहुत ही कम, 3-4% जो है वो होगा। उससे मैंने जो पहले कहा था, दो इश्यूज होते थे, एक फोरक्लोजर लॉ और एक जो सूद की शरह होती थी, और दोनों का इन्होंने उस वक्त फैसला कर दिया। उससे ये है कि ये अब एक प्रोपोजिशन बन गया जो कि लोगों के लिए ये एक किस्म से मुफीद साबित होगा। तो इसके बीच में एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मेरे ख्याल में लोगों को समझ नहीं है कि ये कितना बड़ा काम आपने किया। दूसरा, मैं जनरल हैदर साहब के बारे में कह सकता हूँ कि ये एक पैशनेट आदमी है। ये जब आए, इसमें जो भी है, मेरा प्राइम मिनिस्टर हमेशा मुझे भी ये कहते हैं कि जब तक लोगों में पैशन ना हो तो वो मेरे ख्याल में सक्सेसफुल अगर हो भी सही तो वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ये रिटायर हो गए, और उसके बाद ये तो खैर मैं सीक्रेट ही आउट कर रहा हूँ कि ये कोई मुआवजा नहीं लेते, ये बगैर मुआवजे के ये दिन रात काम करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने बैंकों को बिल्कुल वो कहते हैं ना लाइन हाजिर कर लिया, और मुझे मालूम है कि हर हफ्ते ये बेसिकली मीटिंग करते थे, मैं भी कई दफ़ा पार्टिसिपेट करता था, और रिलेंटलेसली हर एरिया में भाई इसको किस तरीके से ठीक करना, क्योंकि ये एक जब एक नई चीज़ होती है तो उसके ऊपर जो है वो बड़ा टाइम लगता है, तो उस पर और मेरे में शक व शुबात थे। जी मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको कहता हूँ, मैं कई दफ़ा पीएम को भी कहता था कि प्राइम मिनिस्टर, मैं बैंकर रह चुका हूँ, हमारे बैंकर जो हैं जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उनको तो ये पैसे दे देंगे, ये छोटे लोगों को ये पैसे कम ही देंगे, चले लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये देखें ये चीज़ जो है नीचे चली गई, नीचे तक जा चुकी है, 260 अरब रुपए की
एप्लीकेशन आ गई हैं, 106 अरब रुपया जो है उसके वो अप्रूवल्स हो गई हैं। तो वेल डन, आई थिंक द बैंक्स मस्ट बी गिवन क्रेडिट। तो अब जिस तरह जनरल हैदर ने कहा, ये शुरुआत है। शुरुआत क्यों है? कोई तकरीबन 54 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी है और ये आपके जो लोन्स हैं ये आधा फीसद भी नहीं है उसका। और आपको ये मालूम होना चाहिए और सबको, आपको यहाँ तो मालूम है लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान का भी सिस्टम हमारी तरह ही था। उन्होंने उसको 10 साल पहले ठीक किया। आज वो उनकी जो मॉर्गेजेस हैं, ये घरों के लोन हैं, वो 10% है उनकी इकॉनमी की। तो हम अगर अगले 10 साल में, और बल्कि हमें तो 5 साल में, ये 7 साल में करना चाहिए, अगर हम 10% चाहते हैं तो आज की इकॉनमी का मतलब यह है कि हमारी जो लोन्स होंगे वो कुछ 5.5 ट्रिलियन रुपए, 5,500 अरब होंगे। तो ये अगर आप देख लें कि कितने ज़्यादा होंगे ये और हर साल कितने ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारा, हमने तो सफ़र शुरू किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को आप देखें, इसको हर गली गली कूचे कूचे में लेके जाएं। सिर्फ ये शहरों में नहीं रहने चाहिए, ये छोटे शहरों में जाएं, गाँव में जाने चाहिए। और आपको इसकी अगर सब्सिडीज बनानी है हाउसिंग फाइनेंस की, बनाएं, लेकिन ये चीज़ जो है ये बेसिक हक है हर आदमी का, उसकी छत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपको मौका दे रहा है, जो सब्सिडीज दे रहा है आपको, ये बाकी लॉ जो है उसके इर्द गिर्द जो है एनेबलिंग लॉ दे रहा है, तो आप भी अब कोशिश करके इसको आगे लेके चलें। मेरा ख्याल में एक हदफ आपका होना चाहिए बिटवीन 1 and 1.5% ऑफ GDP एवरी ईयर, हर साल 1 से 1.5% आप ग्रो करें, तो मेरे ख्याल में हम उस सफ़र पे गामजन होंगे, उससे मुल्क भी तरक्की करेगा, अवाम भी खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच।